चेंज हो जाएगी जो बच्चों के लिए क्यूट पॉइंट थी, अब शायद उसे सुन के डर लगेगा। हमारा काम हो जाएगा फिर। थोड़ा सेम थिंग आपको भूत हॉरर मूवी से काफी डर लगता है जब सेटअप हॉरर मूवी से आपको काफी डर लगता है, नफरत भी है, तो आप हॉरर मूवी क्यों साइन किया? पर नफरत नहीं है मैं और ये बिल्कुल जॉनर की गलती नहीं है, मैं बहुत डरपोक हूँ एज अ पर्सन, तो ये मेरी गलती है शायद कि मुझे, हाँ मुझे हॉरर फिल्म उतनी पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल देख नहीं पाती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से देवलॉय ने जब हम लोग इस फिल्म के लिए मिले थे जब, और जब मैंने साइन कर ली थी, उन्होंने मुझे तीन फिल्में बोली थी देखने के लिए, और उन तीन फिल्मों के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि उसके बाद मैं कभी नहीं देखूंगी फिल्म, चाहे सिर्फ अगर मेरी खुद की हो, हॉरर फिल्म मैं नहीं देखूंगी। सो डेफिनेटली पहले जब इन्होंने मुझे आइडिया बताया था, मेरा पहला रिस्पॉन्स था कि हॉरर, मुझे तो डर लगता है हॉरर से, पर जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो मैंने रियलाइज किया कि एज एन एक्टर ये बेवकूफ़ी होगी अगर मैं मना करूँ इस फिल्म को, किसी डर या भय या वो मुझे डांस से डर लगता है इस ऐसे बेवकूफ़ी भरे कारण से, क्योंकि इतना स्कोप है इस कैरेक्टर के लिए और सारे कैरेक्टर्स के लिए, ऑल द एक्टर्स को भी, कि इतना परफॉर्मेंस का इतना स्कोप था कि एज एन एक्टर मतलब मैं मना नहीं कर सकता। तो क्या आपने डर को भगाने के लिए भी किसी दरगाह में भी गए थे? नहीं, दरगाह में तो नहीं गई थी, लेकिन आई थिंक हम जहाँ पे शूट कर रहे थे वहाँ मंदिर थे कुछ, तो मैं डेफिनेटली वहाँ जाके मैंने थोड़ी प्रार्थना करी और कि रात में कोई भूत मत भेजिएगा मेरे कमरे में, और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब कितने पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं और पूर्वाग्रह पाए, तो हाँ